class. Welcome to my science class. Students, welcome to my science class. All of you. Okay. Students, we are doing chapter number 16 today. In 16th chapter, name of lesson is management of natural resources. Okay, students, management of natural resources. तो आज हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं? जो हमें प्राकृतिक से मिलने वाली सब्सटेंस होती है उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. तो इनको हमें कैसे मैनेज करके रखना चाहिए ताकि हम उनको लंबे समय तक यूज कर सकें. तो नेचुरल रिसोर्सेज को हम पढ़ते हैं, लेट्स सी पेज नंबर 265 निकालिए अपनी बुक में. पेज नंबर 265 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, लेट्स सी, निकाल लिया आप सभी स्टूडेंट्स ने पेज नंबर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ओके स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. वी लर्नड इन क्लास 9 अबाउट सम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सॉइल, एयर एंड वाटर एंड हाउ वेरियस कंपोनेंट्स आर साइकल्स ओवर एंड ओवर अगेन इन नेचर. इन the previous chapter we also learnt about the populations of these resources because of some of our activities. कुछ pollutions की वजह से हमारे natural resources खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है, natural resources of some of our activities. In this chapter we shall look at some of our resources and how we are using them. और हम इन्हें कैसे यूज सब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इस चैप्टर में हम आगे करेंगे. We shall look at some of our resources and how we are using them. Maybe we shall also think about how we ought to using our resources so as to sustain their resources and conserve our environment. किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं तो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम बचा सकते हैं. तो इस चैप्टर में हम ये आगे पढ़ेंगे. ओके, लेट्स सी हाउ वी आर यूजिंग देम, हम इन्हें कैसे यूज कर रहे हैं. मे बी वी शैल ऑल्सो थिंक अबाउट हाउ वी ऑट टू बी यूज अवर रिसोर्सेज सो एज टू सस्टेन so as to be sustain the resources and conserve our environment. We shall be looking at our natural resources like forest, wildlife, water, coal, petroleum. तो हमारे natural resources क्या हैं? हमारा जैसे water है, soil है, forest है, और हमारे natural resources coal, petrol, natural gas, ये हमारे natural resources हैं. We see what are the issues at stakes in detecting and how these resources are to be managed for sustainable development. हम इस तरीके इनको कैसे सस्टेन कर सकते हैं, डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं. We often hear or read about environment problem. हमने बहुत सारे environment problems के बारे में पढ़ी है कि इस तरीके से जैसे हम इंडस्ट्रीज वगैरह बढ़ती जा रही हैं तो इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम होती जा रही है, ठीक है. तो किस तरीके से हमारी प्रॉब्लम होती जा रही हैं इन्वायरमेंट को, तो इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम होने से क्या होता है, हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है. इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम होने से हमें ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है. देयर आर ऑफन ग्लोबल लेवल प्रॉब्लम्स एंड वी फील हेल्पलेस टू मेक एनी चेंजेस. दीज नेचुरल एंड इंटरनेशनल लॉ ऑफ regulations and then there are our own natural laws and act as for environmental protections. There are also natural and international organizations working together protecting our environment. केवल हमारा हम ही नहीं, हमारी national नहीं, international जो हैं organisms वो सभी इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि इन्वायरमेंट अगर पोल्यूट होगा तो हमारे सिर्फ हमें ही नुकसान नहीं होगा, उससे सभी को नुकसान होगा. तो सभी को बचाने के लिए सभी उस पर कोशिश कर रही हैं. अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय अनथिंकिंग एक्सप्लॉयटेशन अवर रिसोर्सेज हैज़ बीन अ रियली सी रिसेंट फिनोमेना इन अवर सोसाइटी एंड वंस दिस अवेयरनेस राइज़ some actions in use will be taken
hard about the Ganga's action plan. जिस तरह से हमारी गंगा एक्शन प्लान उठाया गया है, वो गंगा एक्शन प्लान क्यों उठाया गया है? हमारी गंगा जो है, गंगा नदी दिन पे दिन बढ़ती पॉल्यूशन के कारण गंदी होती जा रही, तो गंगा एक्शन प्लान उठाया गया है। गंगा एक्शन प्लान के दौरान उसमें कोई गंदगी फैलाता है या कुछ डालता है तो उस पर एक्ट लगता है, उस पर पेनल्टी लगती है, ठीक है, या और उसको साफ सुथरा करवाया जाता है। गवर्नमेंट उसको साफ सुथरा कराने के लिए एक्टिविटीज करती रहती है। दिस मल्टी क्रॉसेस प्रोजेक्शन केम अबाउट इन 1985 बिकॉज द क्वांटिटीज ऑफ द वाटर इन द गंगाज वॉज वेरी पुअर। जो गंगा है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी की होती जा रही है। कॉलीफॉर्म्स इन अ ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरियाज फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन्स। कॉलीफॉर्म्स टाइप के जो बैक्टीरियाज हैं ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, हुज प्रेजेंस इन वाटर इन्फेक्टेड कम्युनिकेटेड बाई द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और अब ये जो है कुछ गंदगी जो इंसान की उसमें चली जाती है तो उससे पानी गंदा हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती हैं। ओके, एज यू कैन सी देयर आर सम मेन्यूएबल फैक्टर्स विच आर यूज टू क्वालिफाई पॉल्यूशन और द क्वांटिटी ऑफ द वाटर वॉट दैट वी यूज फॉर वैराइटीज एक्टिविटीज। सम ऑफ द पॉल्यूशन आर हार्मफुल इवन इवन दे when present in our small quantities and we require specific equipment to measure them। तो हमारे environment को problems इतनी होती जा रही हैं तो हमारे कुछ quantities से हम इनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। But as we learned in chapter, लेकिन हमने जो पिछला chapter जो पढ़ा था chapter 2 में हमने देखा था pH value पानी की can be easily checked by universal indicator। यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू हम वाटर के पीएच वैल्यू माप सकते हैं। अगर पीएच वैल्यू उसकी ठीक है तो वो हमारे लिए फिट है, अगर पीएच वैल्यू उसकी ठीक नहीं है तो वो हमारे लिए फिट नहीं होगा, पानी हमें नुकसान पहुंचाएगा। बट वी नीड नॉट फील पावरलेस और ओवरव्हेल्म्ड बाय दी स्केल्स ऑफ द प्रॉब्लम्स बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स वी कैन डू टू मेक द डिफरेंसेस। वी मस्ट हैव कम अक्रॉस द 3 R's टू सेव इन्वायरमेंट। हमें 3 R's को अपनाते हुए अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखना चाहिए। रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, रिड्यूस रिसाइकल एंड रीयूज, ये 3 R कौन कौन से हैं? रिड्यूस रिसाइकल एंड रीयूज को अगर हम अपनाएं तो हम अपने इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन को बहुत लेवल तक कम कर सकते हैं। फर्स्ट है रिड्यूस, दिस मीन्स दैट यू यूज लेस, इसका मतलब है कि आप लेस यूज़ कीजिए चीज़ों को, रिड्यूज़ कम करना कोशिश कीजिए, जो चीज़ हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, पानी हम ज़्यादा गिराते हैं तो पानी को कम यूज़ कीजिए, ठीक है, पानी को ख़राब ना कीजिए। यू सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस, और हम लाइट और फैंस के स्विचेस को ऑफ करके एक्स्ट्रा जितनी भी नेसेसरी चीज़ हैं इनको हम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। यू सेव वाटर बाय रिपेयरिंग लीकेज टैप, और पानी जो लीकेज होता है टैप्स में उनको भी रिपेयर करके हम ठीक कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं। यू डू वेस्ट फूड, वेस्ट नहीं करना चाहिए फूड को। कैन यू थिंक द अदर थिंग्स सो दैट यू कैन रिड्यूस द यूसेज ऑफ, अगर इन चीज़ों का हम कम यूज़ करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी हद तक इसे बचा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है रिसाइकल, दिस मीन्स दैट यू कलेक्ट प्लास्टिक प्लास्टिक्स पेपर्स ग्लास मेटल्स आइटम्स एंड रिसाइकल दिस मटेरियल्स। इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके हम मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। ओके, to make required things instead of synthetic extracting fresh plastics paper glass or metal, इन सबको recycle करके fresh plastic papers glasses वगैरह use अब कर सकते हैं। in order to recycle we first need to regenerate our waste so that the materials that can be recycled is not dumped along with other waste।
Do your village, town, city have the mechanisms in placing of recycling these materials? Recycling these materials. Reduce. हम इनको रिसाइकल करके दोबारा से यूज़ में ला सकते हैं. फिर आता है रिड्यूस. दिस इज़ एक्चुअली इवन बेटर देन रिसाइकलिंग बिकॉज प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग यूज सम एनर्जी. रीयूज करने से हम किसी चीज़ को हम एनर्जीज को सेव करते हैं. इन द रीयूज स्ट्रेटजी यू सिंपली यूज थिंग्स अगेन एंड अगेन इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग अवे यूज इन डेवलप. You can use it and use it again. This plastic bottles in which you can buy various food items like jams, pickles can be used by storing things in the kitchen that other item can be reused. कुछ bottles ऐसी होती हैं उनको फेंकने की बजाय दोबारा से हम use में लेके आ सकते हैं. Even while making everyday choice, we can make environment-friendly decisions. For doing this, we need to know more about how our choice affects the environment. This effects may be intermediate or as long-term as long-ranging. The concepts of sustainable development, encouraging from the growth that meets current basic human needs, while preserving the resources for their needs of further generations. Economic development is linked to environment conservation. Thus, unsustainable development implies that a change in all aspects of life. It depends upon the willingness of the peoples of change in their percentage of soil, eco and environmental conditions around them, and the readiness of each individual as to alter their present of their natural resources. Okay, तो हम इन 3 R's का यूज़ करते हुए नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं. तो हम चीज़ों को अपने को बचा सकते हैं. तो हमें हम क्या करना चाहिए, 3 R's का यूज़ करना चाहिए. तो 3 R's का यूज़ करते हुए हम अपनी चीज़ों को बहुत हद तक सेव कर सकते हैं. सो बेटा आज के लिए इतना ही है. 3 R's का मतलब हो गया रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल. नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे पढ़ेंगे. व्हाई डू वी नीड टू मैनेज अवर रिसोर्सेज. हमें अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने की क्यों ज़रूरत है. हमें अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हम उनको टाइम के अकॉर्डिंग यूज़ कर सके. अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो हम उनको यूज़ कैसे कर सकते हैं. इसलिए हम उनको क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज को मैनेज करके रखना चाहिए ताकि हम सेफली उनको टाइम के अकॉर्डिंग यूज़ करते चले जाएं. ओके, अब आगे आपका जो ये मैनेजमेंट रिसोर्सेज में इतना आप अच्छे से रीडिंग कीजिए. इसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं 3 R's के पॉइंट्स जो हैं अच्छे से आप पढ़ेंगे और 3 R's को इसको करेंगे. पॉल्यूशंस ऑफ द गंगा है आपका बॉक्स में. ये देखिए पॉल्यूशंस ऑफ द गंगा बॉक्स में है, पेज नंबर 260 पे. पॉल्यूशंस ऑफ द गंगा ये देखिए, इसको आप अच्छे से पढ़िए, पॉल्यूशंस ऑफ द गंगा. ओके, पॉल्यूशंस ऑफ द गंगा. और 3 R's आपका है, नेक्स्ट पेज पे है. देखिए ये रहा 3 R's, ये रहा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल. इसको भी अच्छे से कीजिए. ओके, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, इसको भी अच्छे से आप करिए. तो जब आप इसको अच्छे से करेंगे तो आप इतना रीडिंग कीजिए. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे तो मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, एनवायरनमेंट को पोल्यूशन होने से कैसे बचाया जाएगा, जहाँ कम से कम यूज़ कीजिए बॉटल्स. कुछ बॉटल्स ऐसे होते हैं जिनको आप यूज़ अगेन एंड अगेन करके उनको बचा सकते हैं. तो इस तरीके की चीज़ें आप करेंगे तो अपने एनवायरनमेंट को भी बचाएंगे. एनवायरनमेंट अगर सेफ होगा तो हम भी उसके साथ सेफ हैं. अदरवाइज एनवायरनमेंट सही नहीं है तो हम भी सेफ नहीं हैं. सो सेव द एनवायरनमेंट एंड सेव द पीपल लाइफ. ओके, सो इस चैप्टर को अच्छे से कीजिए आप सभी, अच्छे से इसके मार्क आउट कीजिए पॉइंट्स, डिफिकल्ट वर्ड्स इसमें से फाइंड आउट कीजिए. सो स्टूडेंट्स टिल देन बाय, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. ओके.